अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैरव, भैरव जल्दी आओ और हमारी मदद करो, इन्हें इनके कमरे में ले जाने। आप भाई रुकिए। अबीर, मनीषा, हमें लगता है इस विधि की कहानी का दी एंड होने वाला है। ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। बाकुम प्लीज आप चेक कीजिए ना, पानी के छींटे डालने के बाद भी इसकी आंखें नहीं खुल रही है। छींटे मारने से तो होश में वो आते हैं अबीर जो बेहोश हो, लेकिन उनका क्या जिनकी आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी बेहोश है। मतलब ये कि इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, इसका बीपी, पल्स, वाइटल सब कुछ नॉर्मल है, कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ तो सिर्फ एक है कि ये लड़की नाटक कर रही है। वो चाहती नहीं कि आपकी शादी त्रिशाला से हो, आपकी मेहंदी की रस्म में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें बेवकूफ समझते, आज हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। आज हम इसके जाल में फंसने वाले हैं नहीं, हमेशा ही ऐसा करती है ना, लेकिन आज हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। आज आपकी मेहंदी की रस्म होके रहेगी। चलिए अभी चलिए हमारे साथ। माकू भी आप क्या कह रही है? आप देख सकते हैं कि विधि की हालत कितनी खराब है, लेकिन आपको मेहंदी की पड़ी भी है। कहा ना हमने कुछ नहीं हुआ, ये लड़की ठीक है। माकू हम जानते हैं कि आपको विधि पसंद नहीं है, लेकिन आप एक डॉक्टर होने के नाते ये कैसे कह सकती है कि ये नाटक कर रही है? उसकी तबीयत सचमुच खराब है और वो आपकी आंखों के सामने सीढ़ियों से गिरी थी। रात भर वो सिर्फ खांसती रहती है, उसकी शक्ल देखिए कैसी शक्ल उतर गई है। और ये सब कहने के बाद आप बोल रहे कि ये नाटक कर रही है। दादा साहब अब चलिए हमारे साथ। खिड़की खोल देते हैं एटलीस्ट उसको। पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं आप, हो क्या गया है आपको? शांत हो जाइए। प्लीज आप जब तक एक ब्लैंकेट लाइए और विधि को उड़ा दीजिए। अबीर आप अति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है ये लड़की। महाकुम हम कह रहे हैं वो नाटक नहीं कर रही, समझने की कोशिश कीजिए, उसकी तबीयत सच में खराब है। अब प्लीज कुछ कीजिए ना, तब तक कुछ मेडिकेशन तो चालू कीजिए। समझ में नहीं आता तुझे बुड्ढे, तुम्हारे आंसू हमारा सारा प्लान खराब कर देंगे। अगर अभी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया होता तो उसे समझ में आ जाता कि विधि सपना है ही नहीं। लेकिन हमारी भानुजी जी का हुआ क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर अपनी जीजी को जिंदा देखना चाहते हो तुम तो अपनी इस रोती हुई शक्ल को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, वरना इस नाटक को सच में बदलने में हमें वक्त नहीं लगेगा, समझे तुम? चलो यहां से निकलो। कर लिया दोबारा चेक, हम एक डॉक्टर है इसीलिए कह सकते हैं कि इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाटक कर रही है। लेकिन एक माँ भी है, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से इसके चक्कर में और इसके चंगुल में फंस रहे हैं। महाकुम आपके बेटे होने के नाते आपकी बात मानना हमारा फर्ज है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा कि विधि नाटक कर रही है, उसकी तबीयत सचमुच खराब है। मम्मीसा, कब मरेगी ये मोजरी वाली? किसी भी दिन। अब तो उस लड़की को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अबे उस इंजेक्शन में क्या दिया था उसे? स्टेरॉइड, ताकि उसे कोई कमजोरी महसूस ना हो। क्या मम्मीसा आपने ऐसा क्यों किया? अरे मरने दी थी ना उसे तड़प तड़प कर, कितना मजा आता उसे मौत की भीख मांगते हुए देखकर। चाहते तो हम भी यही थे त्रिशाला, जो तड़प तड़प कर हम सबकी आंखों के सामने मरे। लेकिन आज हमने अपने बेटे की आंखों में उस लड़की के लिए दर्द देखा। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उसने अबीर पर,
अगर वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाएगी ना त्रिशाला, तो अबीर कभी भी शादी के मंडप तक नहीं पहुंचेंगे। आप दोनों की शादी के लिए बहुत जरूरी है कि शादी तक वो लड़की जिंदा रहे। लेकिन मम्मी साहब, हम इस लड़की को अबीर के आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस हम जानते हैं त्रिशाला, लेकिन मौके की नजाकत को समझिए। ये इंजेक्शन उस लड़की की जान नहीं बचाएगा, उसे सिर्फ बिस्तर से उठने की हिम्मत देगा। और वैसे आपका और अबीर का नाम तो एक दूसरे से जुड़ ही चुका है, तो क्यों खामखा अपना मूड खराब करके इस दो टके की मूंछड़ी वाली लड़की के बारे में सोच के अपनी शादी के बारे में सोच। हेलो डॉक्टर। हाँ एक्चुअली हमें विधि को रूटीन टेस्ट के लिए लेके आना था, हम अभी लेके आ सकते हैं? नहीं एक्चुअली उसको हुआ कुछ नहीं। हद है ये लड़की। उठिए महारानी साहिबा और कितना आराम फरमाएंगे। अरे उठो, कहीं तुम्हारे इस झूठे नाटक के चक्कर में अबीर को तुम्हारे सच्चे कैंसर के बारे में पता ना चल जाए। तो अरे उठो, लड़की उठ उठ एविदी उठो। अरे उठो, उठ जा उठ। अरे किस मिट्टी की बनी आप भाभी साहब, जान जा रहे हैं इनकी, चंद दिनों की मेहमान है ये, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। अब भी आपको ऐसा लगता है कि विधि नाटक कर रही। बस हो गया आपका ये घिनौना खेल, जा रहे हैं हम अबीर को विधि के कैंसर का सच बता। अबीर वर्षा, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ किया। अबीर और त्रिशाला की शादी होने वाली है और उसमें हम आपको कोई बेवकूफी करने नहीं देंगे। लाइए ये रिपोर्ट हमें दीजिए। दीजिए नहीं देंगे हम रिपोर्ट। हम अबीर को सच बता के रहेंगे। रिपोर्ट हमें नहीं, भाभी सुनिए क्या करे कुआ सब पागल हो गया। ठीक है अबीर, ठीक है अबीर। चुप जाइए काका साहब। विधि अबीर बदल गए, विधि बदल गए अबीर, अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं आपके प्यार और अच्छाई ने उन्हें बदल दिया, हमने खुद देखा है उन्हें अपनी माँ हुकुम के खिलाफ खड़े होते हुए। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप नाटक कर रही हैं। हमने उनकी आंखों में आपके लिए तड़प देखी, फिक्र देखी, हमें उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी विधि। नहीं काका साहब, अगर पन्ना साहब को ये सच पता चला तो उनका विश्वास अपनी माँ पे से उठ जाएगा। अगर आप मारे को बेटी मानते हैं ना, तो ये बात अब अपने तक रखेंगे। वादा कीजिए मारे से, आप ही पर्चा मारे को दीजिए। देखिए जन्म जन्म का साथ सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।